हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम किया जा रहा है। ये दोस्तों इसका लास्ट डेट अभी बिल्कुल आ गई है नज़दीक। मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कि इसका लास्ट डेट कब है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जैसे पैन कार्ड में इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कुछ डेट दी गई थी जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों एक निश्चित टाइम बीत जाने के पश्चात गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला कि 1000 रुपये पेनाल्टी के साथ अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड में लिंक कर सकते हैं। दोस्तों सेम वही कार्य यहाँ पे आधार कार्ड में भी चालू हो गया है। यहाँ पे दोस्तों अभी एक निश्चित डेट दी गई है जो कि बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। इसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम कर लेना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये अगर आप लोग नहीं करते हैं तो इसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेशन का जो काम होगा दोस्तों वो पैसे के साथ में लगेगा। अब कितना पैसा लगेगा ये अभी डिसाइड नहीं है, जैसे इसकी सूचना आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट अपडेशन को कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप लोगों को एक विशेष बात ध्यान देना है कि कौन से लोगों का डॉक्यूमेंट अपडेशन किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं, तो मैं उसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेशन का जो कार्य है वो दोस्तों 10 साल से ज़्यादा जिनका आधार कार्ड बने हो गया है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो लोग यहां पे दी गई निश्चित डेट्स के अंदर नहीं करते हैं अपना अपडेशन तब दोस्तों ऐसे में उनको पेनाल्टी यहां पे देना पड़ जाएगा। तो उनका जो आधार कार्ड है दोस्तों वो किसी कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा, वो संभवतः निरस्त हो जाएगा तब तक के लिए जब तक कि उनका डॉक्यूमेंट अपडेशन नहीं होगा पेनाल्टी के साथ में। वहीं दोस्तों जो नए लोग हैं यानी कि जिनका अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है आधार कार्ड बने, उनके लिए भी ये सुविधा अभी है कि वो लोग भी चाहें तो अभी से अपना आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। तो कैसे करना है उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो सिंपली गूगल में आप यहाँ पर टाइप करेंगे myaadhar.uidi.gov.in। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं ये साइड इसकी यहां पे है, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाएंगे। यहां पे दोस्तों आने के बाद आपको सबसे पहले दिखाई देगा लॉगिन का ये ऑप्शन, तो आप लोगों को यहां पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा आपको इसके नीचे फिल करना है, ठीक है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे ओटीपी जैसे आएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको ओटीपी को फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो मैं दोस्तों इतना जानकारी यहाँ फिल करके लॉगिन करके आगे का स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं मैंने ओटीपी भेजा, ओटीपी यहां पे जनरेट सक्सेसफुल यहां पे लिख के आ गया है। लेकिन दोस्तों जिस मोबाइल जिस आधार के लिए ये ओटीपी भेजा गया था वो आधार का जो मोबाइल है दोस्तों जो मोबाइल नंबर लिंक था वह मोबाइल अभी स्विच ऑफ पड़ा हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ओटीपी नहीं आ पाई। मैं इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, आपका बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ये अपडेशन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या काम करना है, एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ रखना है दोस्तों, वो चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे दोस्तों आपका पैन कार्ड हो, या दोस्तों निर्वाचन कार्ड हो, या दोस्तों DL हो आपका, ऐसा कोई भी चीज़ है दोस्तों तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इसका अपडेशन कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों यहाँ पे आप लोग कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके आधार कार्ड में जो भी यहाँ पे एड्रेस प्रूफ लिखा हुआ है दोस्तों वही सारा चीज़ यहाँ पे होगा, लेकिन उसी से संबंधित आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ लगा के अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, बहुत सिंपल तरीके से ये कार्य आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका कंप्लीट वीडियो आपको बना के नेक्स्ट डे दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी।